हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। यार आप कुछ भी कर रहे हो, आप रनिंग पे जा रहे हो, आउटडोर एक्टिविटी करने जा रहे हो, ट्रैकिंग पे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो क्या करते हो आप? सबसे पहले अपने पैरों का ख्याल रखते हो, उसमें पहनते हो जूते। शूज़ पहनने बहुत ज़रूरी होते हैं कहीं भी ऐसे रनिंग कर रहे हो, बट शूज़ पहनते हैं तो कई बार क्या होता है, ऐसे कुछ कंकड़ घुस गया या शूज़ फट गया, पत्थर पहने हैं तो वहाँ पे लग के ऐसे कट जाता जूता। तो बहुत बार होता है कि अगर लड़कियों के साथ आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐसे बाहर जा रही है तो हील है उसकी, जो हील्स पहनती है ना, जो सैंडल पहनती है उसकी हील्स मुड़ गई, टूट गई। तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम जो जूते हैं, सैंडल है, बहुत महंगी महंगी लेके आते हैं और छोटे मोटे क्रैक या ऐसे टूट जाते हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है। ट्रैवल कर रहे हैं ऐसे टाइम पे दिक्कत हो जाए तो यार चलने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए एक सलूशन आ रहा है। मैं इसी स्टोर पे था और वहाँ पे मुझे मिला, देखो ये रहा, फेविकोल का शू फिक्स। अब ये क्या करेगा, आपका जूता जो ऐसे कट फट गया उस पर ये लगाओ और जूते को फिक्स कर लो। मैंने कहा सही में ऐसा कुछ आता है? मैंने कहा ये तो बहुत काम की चीज़ हो जाएगी अगर ऐसा कुछ आता है। तो मैंने कहा इसी की टेस्टिंग करते हैं कि जो ये बोल रहे हैं शू फिक्स, तो ये शू फिक्स कर भी पाता है या फिर सिर्फ कहने का शू फिक्स है। तो हमने ये जूता लिया, ये देखो ये रहा जूता पड़ा था हमारे पास, हमने इसका पूरा सोल अलग कर लिया। अब देखते हैं इसका सोल पूरा का पूरा इससे चिपक पाएगा या नहीं, पहले ये टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे कट लगाएंगे और फिर उसको कट पे ये शू फिक्स डालेंगे, फिर फिक्स करके देखेंगे कि सच में जूता चिपकता है या नहीं। तो ट्राई करते हैं, सबसे पहले सोल के साथ इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। देखो इधर, और यहाँ पे इन्होंने दिखाया भी है कि ऐसे फट जाए कुछ भी सोल वगैरह तो यहाँ पे ऐसे चिपक जाएगा। देखो ये रहा, तो ये आता कितने का है वैसे? ये रहा 35 रुपये का ही आता है, MRP इसका 35 है, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अब देखते हैं कैसा काम करता है। तो ये आ गया शू फिक्स। तो ये सोल था जूते का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ही लगा देते हैं इसकी तरफ। और इस पे पैकेट पे यहाँ पे लिखा है स्टार्ट टू वर्क इन 10 मिनट्स, तो इसको 10 मिनट हम ऐसे ही छोड़ते हैं और 10 मिनट बाद देखेंगे कितना तकड़ा जोड़ लगा इस पे। अब अगर जूते पे कट लग जाए तो ये रहा ब्लेड, और इधर की तरफ ऐसे, तो ये रहा ऐसे कट लग गया यहाँ पे। इसको और बड़ा कर देते हैं, तो पूरे जूते में ऐसे कट लग चुका है। अब ये कट क्या फिक्स होगा इससे, इसको भी चेक कर लेते हैं। 10 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट ऐसे रखना है इसको। तो जो पैकेट पे लिखा था वो लिखी थी 10 मिनट और हमें हो चुके 15। 15 मिनट हो गए दोनों जूतों को। एक का तो पूरा सोल चिपकाया था हमने, ये रहा, और एक को हमने कट किया था यहाँ से, देखो ये लाइन दिख रही है, और 15 मिनट के बाद भी ये रहा, मुझे घंटा इस पर कोई फर्क नहीं दिख रहा। जो वो था ग्लू वो बिल्कुल सूख चुका है, यहाँ पे कोई ग्लू ऐसा कुछ नहीं है। ये रहा, पूरी उंगली फेर ली और ये देखो उंगली पे कुछ नहीं आया, ये पूरा ग्लू सूख चुका है और कुछ नहीं चिपका। अब देखते हैं सोल की बारी, सोल कितना अच्छा चिपका है। वाह क्या मस्त चिपका है ना। तो अब देखते हैं, ये तो ये था, अब देखते हैं फेविक्विक को, फेविक्विक क्या करती है। फेविक्विक को तो 10 मिनट चाहिए भी नहीं, तो फेविक्विक तो बहुत छोटी सी आती है, उससे काम बनेगा नहीं। तो ये देखो, ये फेविक्विक के बराबर ही है, बिल्कुल फेविक्विक जैसा ही होता है। अब इससे देखते हैं जूता कैसे चिपकेगा। तो उसको हमने 10 मिनट छोड़ा था और यहाँ देख लो अभी 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे। इसको तो मैं साइड रखता हूँ, ये वाली जो हमने जो कट था, कट को चिपकाया था, अब उसको देखो, ये काफी हद तक चिपक चुका है। देखो अभी थोड़ा सा अगर टाइम दूंगा ना तो अच्छा चिपक जाएगा। देखो इतना बेंड करने के बाद भी पूरा मैंने बेंड कर दिया और इधर तो सील हो गया, इधर की तरफ से रह गया। तो इधर थोड़ा सा और डाल के मैं इसको टाइम के लिए छोड़ता हूँ। अगर तो 10 मिनट नहीं, इन्हें 2 मिनट का टाइम देते हैं। तो 2 मिनट या हद से 3 मिनट हुए हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसकी मजबूती जो है ना, वो जो वो था हमने शू फिक्स वगैरह लगाया, उससे तो बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो अब देखते हैं ये वाला जो था, ये रहा देखो, पूरा बेंड करने के बाद ये हल्का सा यहाँ पे सॉलिड हो गया था, जो भी था शू फिक्स के चक्कर में उसमें नहीं हुआ, बाकी कट पूरा का पूरा सील कर दिया है। तो ये काफ़ी हद तक इफेक्टिव है, वो तो कुछ नहीं था। खैर ये देखो इतना बेंड किया है, ये मुड़ा रह गया। तो अब इस वाले को देखते हैं तो ये देख रहे हो कितनी मजबूती है। अब इसका जो सोल हमने फिक्स किया है उसको देख लेते हैं, ये देखो
इसमें कितने ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, कितने ज़्यादा जोर लगाने पड़ रहे हैं। और जो वो था वो तो बिल्कुल आसानी से हट गया। ये देखो हट तो ये भी गया, बट ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। अब हमने पूरा का पूरा सोल अलग कर दिया था। ये जूता जो है ये भी काफ़ी हल्का है, बट जो नॉर्मल शू है आप उसको फेविक्विक से हल्का बहुत टेम्परेरी चलाने के लिए कर सकते हो। बट सबसे बढ़िया मोची के पास जाओ, वो सिल के ऐसा कर देगा ना, अगर इसे मोची से भी जुड़वा ले तो ऐसा सील देगा, कितने भी जोर लगा लो पूरा इसे अलग करें ना तो सोल फट जाएगा, जूता फट जाएगा, पर ये ऐसे खुलेगा नहीं। तो जो असली काम करता है वो मोची ही करता है, ये शू फिक्स वगैरह ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो अब ये वाली जो वीडियो थी इससे आपका फ़ायदा होगा, कैसे आप जाओगे, जैसे मैं गया था स्टोर पे गए और देखा आपने शू फिक्स है, अच्छा मैं जूते चिपका लूँगा, आपने वहाँ पे पैसे खर्च कर दिए, तो वो पैसे मत खर्च करो, मोची के पास जाओ, उस गरीब आदमी को भी थोड़े बहुत पैसे कमाने दो, तुम वहाँ पे जाके उसका फ़ायदा करा दो। तो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर मज़ा आया वीडियो में कि देख के कुछ लगा कि हाँ ये करना चाहिए, मैं वो नहीं करना चाहिए, मतलब वो नहीं लेना चाहिए और वहाँ जाना चाहिए, समझ आ गया, तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अब मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय।